हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वींस प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है और इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। वैसे तो ट्वींस प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आपकी पूरी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर आपके ब्रेस्ट पर एंड आपके कूल्हों पर और आपकी जांघों पर एंड आपके पेट के निचले हिस्से पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि ट्वींस प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ते क्यों हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपकी त्वचा की दो परतें होती हैं, जिसमें से एक पतली ऊपरी परत जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है और एक मोटी निचली परत जिसको डर्मिस कहा जाता है। और डर्मिस में बिखरे हुए इलास्टिन नामक महीन प्रोटीन तंतु होते हैं, जो रबर बैंड के टुकड़े की तरह खींचे जाने पर बिल्कुल सक्षम होते हैं। लेकिन जिस तरह से रबर बैंड के खींचने की एक लिमिट होती है, उसी तरह से इन इलास्टिन फाइबर को भी कुछ हद तक ही खींचा जा सकता है। और अगर इनको लिमिट से ज्यादा खींचा जाता है तो फिर ये जो है फटना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्वींस होने की वजह से जो आपका गर्भाशय होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से आपके जो पेट की त्वचा बहुत ज्यादा खींच जाती है। और ऐसा होने से जो आपकी त्वचा में इलास्टिन फाइबर पाए जाते हैं वो भी फट जाते हैं, जिस वजह से आपकी त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं और उसी को स्ट्रेच मार्क्स बोला जाता है। और आपको क्लियर कर दूं कि सभी स्ट्रेच मार्क्स के निशान एक जैसे नहीं होते हैं। ये हर महिला की त्वचा के हिसाब से अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर महिला की त्वचा जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ महिलाओं के पेट पर ये हल्की सी धारियों टाइप में दिख सकते हैं, किसी की त्वचा पर गहरे गुलाबी या फिर किसी की त्वचा पर बैंगनी और यहाँ तक कि किसी की त्वचा पर नीले रंग के भी दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स ट्वींस प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं एंड आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में ऐसा भी हो सकता है जिसे प्रूरिटिक अर्टिकेरियल पैपुल्स और प्लॉक ऑफ प्रेगनेंसी PUPPP कहा जाता है। यह आपके लिए खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ये आपको बेहद परेशान करने वाला हो सकता है। और PUPPP कुछ मामलों में गंभीर रूप भी ले लेता है, जिस वजह से जलन भी हो सकती है। और उस जलन को कम करने के लिए कभी कभी डॉक्टर को जल्दी डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है, तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। ट्वींस प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स से बचने का कोई भी स्पेशल तरीका नहीं है, बस आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रख सकती हैं, जैसे आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए एंड आप हेल्दी डाइट फॉलो करें और आप कोशिश करें अपना एक्स्ट्रा वजन ना बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका एक्स्ट्रा वजन बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप ट्वींस प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकती हैं तो वो भी ट्राई करें, इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे और आप बहुत ज्यादा खुजली ना करें पेट पर या कहीं पर भी, नहीं तो आपके बहुत ज्यादा गंदे दाग पड़ जाएंगे। और आप लोशन या फिर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड आप नारियल का तेल जरूर लगाती रहें, जिससे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स थोड़ा सा कम पड़ेंगे। और आपको इनको बहुत ज्यादा लेके चिंता नहीं करनी है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ही हल्के पड़ जाते हैं और ये बिल्कुल कभी भी नहीं जाते हैं। ये बात आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये आपके मातृत्व की निशानी होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।